आशीर्वाद साधुवाद आप सबको। आपने देखा होगा जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से मैं समझता हूं कोई ऐसा दिन नहीं है कि वो भोपाल में बैठे होंगे। पूरे मध्य प्रदेश में कहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दौरे पे लगे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है छिपरा पे कार्य होगा, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना है, हमें समय देना है, हमें उनको समय देंगे तभी जा करके छिपरा जो है छिपरा का शुद्धिकरण होगा। सबसे बड़ी बात है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है उज्जैन से है, और ये हमारा सौभाग्य है कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी ही उज्जैन से, तो उज्जैन का सबसे पहले विकास होगा और अवश्य होगा। और छिपरा जी के लिए एक बहुत बड़ा वो ड्रेनेज बनाई जा रही है, एक टनल नमा मतलब वो अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है, जिससे जितना भी हमारा जो सिटी का जो गंदा पानी है, खराब पानी है, वो उसमें जाएगा और छिपरा का शुद्धिकरण होगा। और छिपरा जी में जो भी स्रोत है वो सब खोल दिए जाएंगे और छिपरा जो है प्रवाहमान हो जाएगी, गतिमान हो जाएगी, और जितने भी यात्री हमारे भारत के आएंगे सभी यहाँ पे स्नान करेंगे। ऐसा हमारा मुख्यमंत्री जी का विचार है, ऐसा उनका चिंतन है। कुछ कार्य भी जो सिंहस्थ के मध्य से होने वाले हैं उज्जैन शहर में, वो काफी रुके हुए हैं, सिंहस्थ काफी नजदीक आ गया है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी सबसे पहले सिंहस्थ प्रयागराज का होना है, प्रयागराज के बाद आपने त्र्यंबक नासिक का सुना होगा, वहां का सिंहस्थ आना है। जो कुंभ मेला है यहाँ पे तीसरे नंबर पे कुंभ मेला है, अभी बहुत समय है, ये सब काम एक साल के अंदर अंदर होते हैं। इसके लिए अभी से मैं समझता हूँ कि इसको इतना सीरियस देना अभी कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत समय है। और सरकार जब काम करती है एक साल में पूरा जो अपना उज्जैन शहर का ऐसा विकास होगा, लोग देखते रह जाएंगे। मुझे चुनावी माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर मतिर मम। आप जानते हैं जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और हमने पहले भी कहा था धर्मो रक्षति रक्षता, तो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी स्वयं रक्षा करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सनातन पे काम किया है, धर्म पे काम किया, अब धर्म इनकी रक्षा करेगा और आने वाली जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आम जनता से मैं ये अपील करना चाहूंगा, देखिए हम सबका अधिकार है, हम सबको मतदान करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग घर में हैं सभी अपना मतदान करें और सरकार बनाने में आप अपना भागीदारी जरूरी निश्चित करें कि हमें किसकी सरकार चाहिए, हमें कौन सी सरकार चाहिए। हमें वो सरकार चाहे जो सनातन पे काम करे, हमें वो वाली सरकार चाहे जो भारत को विश्व गुरु बनाए। इसीलिए जो है सबका मतदान अति आवश्यक है और सबको मतदान करना चाहिए।